हेलो गाइस, हेलो। हम आ गए हैं, नंदगांव आए हैं और हम आपको पूरी नंदनगरी दिखाएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ, ठीक है? हम आगे चलते हैं। नंद बाबा मंदिर रास्ता, तो भाई चलते हैं हम नंद बाबा मंदिर की ओर। सबसे पहले ये तो आ रही है मैम और ये हम लोग, चलिए चलते हैं। ठाकुर जी छोटी सी पंडित जी से बोला तो वो क्या क्या है, महिमा है, क्या क्या है? एक का नाम है कृष्ण कुंड। तो देखिए ये लिखा है कृष्ण कुंड नंदगांव मथुरा, ये है हमारा कृष्ण कुंड, बहुत ही बड़ा और प्यारा सा लग रहा है। देखो लिख ले। हेलो गाइस, हम लोग नंदगांव में है। देखिए कितना खूबसूरत विलेज है, ये बहुत ही सुंदर। और हम जा रहे हैं अभी आशीषेश्वर के मंदिर आशीषेश्वर मंदिर तो शिव जी का मंदिर है प्राचीन। यस, तो अभी हम जा रहे हैं, वहां पे व्यू देखिए कितना ही। और इतनी धूप है, गर्मी बहुत है, लेकिन हमारी स्किन जल गई। मंदिर श्री आशीषेश्वर मंदिर महादेव का नंदगांव में, एंड मंकीज हमारे स्वागत करने के लिए आगे श्री नरेंद्र मोदी। यह है आशीषेश्वर महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये। इसकी कुछ मान्यता है, बिस्कुट देने कुकीज में से निकल गए। आशीषेश्वर मंदिर
का छोटा सा कुंड, और यहाँ डर रहे हैं सबके सब। ये देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। हमें बंदरों से बहुत डर लग रहा है, हमें बंदरों का खौफ हो चुका है, बंदर सारा छीन छीन के भाग रहे हैं। हर कदम देखो कितना अच्छा लग रहा है, तैयार कदम। हम बहुत दूर चल गए हैं, 1.5 किलोमीटर हमने जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस किया है, जहाँ पे आशीश्वर मंदिर था महादेव जी का। एंड ये तैयार कदम है, देखो अंदर क्या होता है। ये तो कुछ मुझे वन टाइप भी लग रहा है, हरे कृष्णा लिखा हुआ है, श्री रूप गोस्वामी का स्थल। नाइस, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ले जाते हैं ये है पान सरोवर, पावन, सॉरी माय मिस्टेक। तो बताइए थोड़ी बहुत इसके बारे में, इसके बारे में, पावन सरोवर के बारे में। ये उत्तर प्रदेश में ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, पावन सरोवर। अच्छा, बस पावन होगा, देख के ही ये कितना पावन लगता है, कितना सुंदर है, देखिए ब्यूटीफुल। ये देखिए ब्यूटीफुल।